नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे घर में पैसे आए, लक्ष्मी आए, क्योंकि पैसे के बिना की जिंदगी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो पैसे होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपको एक ऐसा ही उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी अविरत रूप से आना शुरू हो जाएगी। घर में मतलब लक्ष्मी कंटिन्यू आपके घर में आती रहेगी। दूसरा, यदि आप मंगल से जुड़े हुए किसी भी चीज से आप परेशान हैं, जैसे कि आपकी शादी ब्याह में यदि मंगल तकलीफ दे रहे हैं तो इसमें आपको राहत मिल जाएगी। प्लस जैसे आपने कहीं मकान ले रखा है और उस मकान में कोई दूसरे व्यक्ति जबरदस्ती घुस गए हैं या भाड़वत बनकर के घुस बैठे हैं, अब वो मकान खाली नहीं कर रहे हैं, या आपके ही कोई रिलेटिव आपके मकान में घुस गए हैं और अब वो मकान खाली ना कर रहे हो, कहीं कोई ऐसी जमीन हो, काफी बार ऐसे काफी मेरे पास कॉल्स आते हैं कि जमीन के जो हमें कागजात दिए गए वो नकली थे, हमारी जमीन पर दूसरे लोग कब्जा करके बैठे हैं, हमें कागज नहीं दे रहे हैं, दिस और देट, मतलब जमीन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। मकान है, जमीन है, यदि आप कहीं अपना मनचाहा मकान खरीदना चाहते हैं, मकान को सेल करना चाहते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है उसमें भी आपको बहुत जल्दी इसमें राहत मिल जाएगी। प्लस यदि आपका नेचर थोड़ा डरपोक जैसा है, कायर जैसा है, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आपके नेचर में साहसिकता आएगी, बल आएगा। जो लोग थोड़े डरपोक स्वभाव के हैं वे लोग भी इस क्रिया को करके देखें। तो इस क्रिया को आपको मंगलवार के दिन करना है और सोमवार के दिन करना है। मंगलवार और सोमवार दोनों ही दिन आप इस उपाय को करें। दही दोस्तों, मैं आपको बता चुकी हूँ, दूध दही घी ये सारे ही रत्न हैं, इनमें बहुत शक्ति है। कोई भी क्रिया यदि इन चीजों को महत्व देते हुए आप करेंगे, जैसे कि आपने यूं ही दही लिया और खा लिया वो अलग चीज है, दही का आपने पंचामृत बनाया, भगवान को भोग लगाया और उसको खाया, उसका रिजल्ट ही कुछ और आएगा। आप यूं ही पानी का ग्लास कहीं भरते हैं, उठाते हैं और पी लेते हैं, यही आपने ग्लास लिया गंगा नदी में से, आपने एक ग्लास पानी लिया और पिया, आपने गंगा जल पी लिया। पानी तो पानी था लेकिन वो गंगा जल था, गंगा नदी का पानी था, इसमें इतना सारा ऑक्सीजन था और आपके अंदर एक भावना थी। आप थोड़ा पानी लेते हैं और उसको किसी मंत्र से आप अभिमंत्रित करते हैं और उसको पीते हैं, वो पानी एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही दही भले आप रोज खाते हो, क्योंकि काफी लोग जो थोड़े नेगेटिव हैं, काफी हमारे जो व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं, क्या है, थोड़े नेगेटिव हैं, जल्दी किसी चीज को मानते नहीं हैं, तुरंत ही यदि रिजल्ट नहीं आया तो तुरंत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अरे मैडम, दही तो हम रोज रोज खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप बोलते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, दही तो हमने कितना खा डाला, दही तो बहुत खा डाला। लेकिन दही के अंदर अपनी एक भावना डालें कि इस दही को इस तरीके से खाने से मेरे साथ ये होने वाला है, जो भी मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपके साथ होगा, बराबर। दही को खाने में, दही खाने में आपको दही के साथ मिलाना है जीरा, जीरा और लाल नमक। आप जीरे को सेक लें, सेक करके उसे पीस ले लाल नमक के साथ और उसे दही में आप मिक्स करें और उसे आप रोज खाना शुरू करें। वैसे भी दोस्तों, जीरा खाने से आपके जो चंद्र हैं वो मजबूत बनते हैं, आपके बुध मजबूत बनते हैं, राहु आपके दबे हुए रहते हैं, राहु आपको अच्छा प्लस पॉइंट देने लग जाते हैं, प्लस रिजल्ट देने लग जाते हैं, माइनस रिजल्ट नहीं देते किसी भी चीज में। तो जीरा वैसे भी दोस्तों आशीर्वाद स्वरूप है, बराबर। जीरे का यदि आप एवरीडे यूज करते हैं तो आपकी लाइफ में ढेरों पॉजिटिविटी होती है जिसका आपको पता भी नहीं होता है। एक कितनी सारी ऐसी नेगेटिविटीज है वर्ल्ड में जो आपको सिर्फ आपके पास इसलिए नहीं आ रही होती है क्योंकि आप एवरीडे जीरे का सेवन कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। और काला नमक जो लोग रोज खाते हैं उन्हें कभी शनि परेशान नहीं करता, शनि उनका हमेशा शांत रहता है।
सूर्य उनका हमेशा मजबूत रहता है। तो काला नमक यूं भी दोस्तों, जो लोग एवरीडे काला नमक खाते हैं वो कभी भी मतलब ज्यादा गरीबी में ज्यादा बीमारी उनके शरीर में नहीं आती है, गरीबी नहीं आती है। काला नमक यूं भी खाना चाहिए। आप यदि सब चीज में काला नमक नहीं डाल सकते तो अमुक चीजों में काला नमक डाल करके खाए, या एवरीडे थोड़ा सा काले नमक का टुकड़ा मुंह में डाल करके रखें, आप देखेंगे आपके शनि मजबूत बन जाएंगे, शनि की तरफ से आपको कोई कभी तकलीफ ही नहीं होगी। और दही दोस्तों खाने से आपके शुक्र मजबूत बनते हैं, आपका शुक्र मजबूत बना मतलब गाड़ी बंगला धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आपके पास आता है। तो आपको एवरीडे दही में जीरा और काला नमक मिला करके खाना शुरू करना है। और यदि एवरीडे नहीं कर पाते हैं तो सोमवार मंगलवार ये दो दिन तो आप अवश्य ही इस चीज को ले। मैं तो कहूंगी आप यदि एवरीडे खाते हैं बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा, लेकिन सोमवार मंगलवार यदि दो दिन लेते हैं तो आपके जो भी प्रॉब्लम है जो चंद्र से जुड़ी हुई है उसमें आपको राहत मिल जाएगी, मंगल से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है उसमें आपको राहत मिल जाएगी और शुक्र आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। और ये उपाय बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत साधारण है, कर लेने के लायक है। आपने देखा होगा दोस्तों काफी लोग जब छाछ पीते हैं, हमारे यहाँ गुजरात में छाछ पी जाती है तो मसाले वाली छाछ पीते हैं, और ज्यादातर देखना जो लोग मसाले वाली छाछ पीते हैं उनका नसीब बहुत अच्छे होते हैं, उनकी लाइफ में खुशहाली होती है। क्यों होती है उन्हें खुद ही नहीं पता होता है, लेकिन मसाले वाली छाछ में जीरा और लाल नमक पिसा हुआ होता है। तो दही में यदि आप ये दो चीज डाल करके पीते हैं, छाछ में दोनों चीजों को डाल करके यदि आप पीते हैं, किस्मत चमक जाती है, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आती है। करके देखिए, करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।